हेलो दोस्तों कैसे हो सभी लोग तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम अप्लाइड सेक्शन फॉर द गेट एग्जामिनेशन हम लोग जानते हैं कि अभी गेट का एग्जाम हमारा नज़दीक आ रहा है तो आपके भी मन में चल रहा होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको मुझे बार बार रिवाइज करना चाहिए या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर अप्लाइड मैथेमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं फॉर द गेट एग्जामिनेशन आइए देखते हैं वन बाय वन टॉपिक अब ये क्वेश्चन मैंने या फिर ये जो टॉपिक्स हैं मैंने किस बेसिस के ऊपर चुने हैं तो वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर लास्ट एग्जाम्स में तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर देखा है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये जो पांच टॉपिक्स है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक के ऊपर और उसके ऊपर डिसाइड किया गया है आइए देखते हैं वन बाय वन टॉपिक तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आप लोग जानते हैं कि गेट एग्जाम और नेट एग्जाम ले लो दोनों एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट यहाँ पर चांसेस है कि ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो होगा वो स्टमलीवोली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर पूछा जाएगा तो कोशिश करना ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करें फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पावर सीरीज सॉल्यूशंस फॉर दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और प्रोबिनियस मेथड फॉर सॉल्विंग दी फॉर सॉल्विंग दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना ठीक है तो ये दो टॉपिक्स हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे बढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप भी जानते हैं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो है उसी प्रॉब्लम चाहे नेट या गेट या फिर जहां पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा ये टॉपिक जरूर आएगा इंटेग्रल सर्फेसिस पासिंग थ्रू ए गिवन कर सिंपली एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है और उसके साथ एक इनिशियल डेटा कर दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द इंटेग्रल सर्फेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व तो ये सवाल आपको बिल्कुल मिस मत करना बहुत सिंपल सा होता है आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली आपको पूछा जाएगा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे सेकेंड ऑर्डर का और पूछेंगे कि वेदर इट इज़ हाइपरबोलिक पैराबोलिक और इलिप्टिक और सम रीजन देंगे और उस रीजन के ऊपर ये कैसा बिहेवियर है इसका ये पूछा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड चाहे आप नेट का एग्जाम ले लो गेट का एग्जाम ले लो हालांकि अभी लास्ट एक दो एग्जाम से नेट के एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं है लेकिन गेट के एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना आए तो आप ये जो पांच टॉपिक्स है ये बिल्कुल भी मिस मत करिए अगर आप अप्लाइड सेक्शन अच्छा करना चाहते हो तो ये पांच टॉपिक्स आपको करके ही जाना है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस यही मुझे बताना था कि आप ये टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग